हेलो मॉमीज एंड डैडीज, मैं हूँ मेघा। आप देख रहे हैं मेघा टिप्स एंड न्यूज़। तो आज मैं बहुत ही बड़े प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाली हूँ, जो बच्चों में 0 साल से 5 साल तक ज़्यादा आती है और उसे हम कहते हैं वर्चुअल ऑटिज़म। वो है स्क्रीन टाइम की वजह से, मोबाइल और टीवी देखने की वजह से। मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, आईपैड, 4 घंटों से ज़्यादा अगर आप बच्चों को दे रहे, बहुत दिनों से ऐसे ही 4 घंटों से ज़्यादा बच्चे देख रहे, तो वर्चुअल ऑटिज्म का शिकार हो सकते हैं। वो डिसऑर्डर उनमें आ सकती है। तो उसमें क्या होता है, तो बच्चे नज़रों से नज़र नहीं मिलाते। अगर आपने उनसे नाम से बुलाया भी है उनको, तो वो आवाज़ नहीं सुनते। कोई भी आया है तो उनसे कम्युनिकेट नहीं करते। सोशल लाइफ उनको पसंद नहीं आती, वो अपने ही धुन में रहते हैं। उनको जो देखा है वो देखने वाले है स्क्रीन टाइम पे, या स्क्रीन में जो है वो ही ज़्यादा पसंद करने लगते हैं। अपने ही धुन में खेलना, उसी टाइप के खेल खेलना, आपने जो भी बात की है वो सुनते नहीं है। अगर आपने ये जल्दी पहचाना है, कुछ ना कुछ कर सकते हो। अगर ज़्यादा है तो आप डॉक्टर के पास जा सकते हो। अगर आपको लग रहा है ऐसे हो रहा है, तो आप ही उसे कंट्रोल कर सकते हो स्क्रीन टाइम कम करके। आपको अगर 4 घंटे से ज़्यादा बच्चा देख रहा है, तो आप स्क्रीन टाइम इमिडिएट नहीं कम कर सकते। 4 से थोड़ा, जैसे आपने धीरे धीरे बढ़ाया है वैसे धीरे धीरे उसको कम करना है, नहीं तो बच्चे क्रैंकी हो जाएंगे और वो कुछ नहीं सुनेंगे। माँ पापा दोनों भी जॉब में होते हैं, ये पैंडेमिक की वजह से ग्रैंड पेरेंट्स भी दूर रहते हैं, तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तो आपको बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है, दोनों को भी फ्रेंड्स के साथ खेलने के लिए लेके जाओ, गार्डन में लेके जाओ, ग्रैंड पेरेंट्स को घर में लेके आओ, कुछ भी करो, लेकिन थोड़ा सोशल लाइफ उनको दे दो और स्क्रीन टाइम कम करो। धीरे धीरे वो सब नॉर्मल बच्चों की तरह आई कांटेक्ट करेंगे, आपकी बातें सुनेंगे, आपके साथ रहेंगे, उनको भी सोशल लाइफ पसंद आएगी। लेकिन आपको ये जल्दी जल्दी करना है। अगर आपने पहचान लिया है तो, आप इग्नोर करोगे तो ये प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। और इसमें भी 2 ऑटिज़म्स है, वर्चुअल ऑटिज़म और क्लासिकल ऑटिज़म। क्लासिकल ऑटिज़म में एक्चुअली न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, ये स्क्रीन टाइम की वजह से नहीं, इसका कोई कॉज नहीं है। लेकिन वर्चुअल ऑटिज़म स्क्रीन टाइम की वजह से ही होती है, और इसके बारे में बहुत रिसर्च भी किया गया है। 160 बच्चों में से एक बच्चों को, मतलब 150 बच्चों में से एक बच्चे को वर्चुअल ऑटिज़म होती है। और स्क्रीन टाइम की वजह से डोपामाइन भी ज़्यादा सिक्रेट होता है, तो बच्चे अगर स्क्रीन टाइम नहीं मिला तो क्रैंकी बन जाते हैं, अपने मन की करते हैं, तोड़फोड़ कर देते हैं। तो इसके लिए आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, बच्चों के ऊपर फोकस करके धीरे धीरे उनको आपके साथ मिक्स करना है। गेम्स लाओ, कुछ घर में खेलने वाले गेम्स लाओ, लूडो लाओ, चेस लाओ, जो भी उनको पसंद है, जो भी कार्टून जैसी चीज़ें पसंद है। स्क्रीन टाइम भी अगर वो देख रहे तो उनके साथ कम्युनिकेट करते समय थोड़ा स्क्रीन टाइम दे दो। इमिडिएट तो कम नहीं होगा, थोड़ा जब आप कम कर रहे हो तो आप उसके साथ बैठे रहो, क्या देख रहा है, क्या देखना चाहिए आप डिसाइड करो, और फिर धीरे धीरे उसको कम करो, तो ये वर्चुअल ऑटिज़म की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और जिन बच्चों को ये प्रॉब्लम है और जिनके बच्चे 0 to 5 years के अंदर है, उनके साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। टेक केयर, बाय।